यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि शादीशुदा हैं, सिर्फ हाथ उठाना है। ग्रेट, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कुड एक्चुअली रिलेट टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। मैरिज इज एक्चुअली समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू समबडी दैट यू वर नॉट व्हेन यू वर सिंगल। इट्स मोर अबाउट फ्यू वर्ड्स दैट कम्स अक्रॉस योर आईज, लाइक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टफ लाइक टेकिंग ओनरशिप ऑफ ईच एंड एवरी माइनर डिटेल्स। फॉर इंस्टेंस, जब मेरी शादी हुई तो मुझे उससे पहले नहीं पता था कि टावल की कोई जगह भी होती है रखने की। आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग कि जब आप टावल रख दें कोई ना कोई आके उठा लेगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ये सरप्राइजिंग था कि इन चीज़ों को भी प्रॉपरली रखना होता है। सिमिलरली शादी के बाद जो है वो मैंने सुना था कि काफ़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है, हर चीज़ की ओनरशिप लेनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं सुना था कि कुछ स्पेसिफिक किस्म के ऑब्सेशंस भी होते हैं कुछ लोगों के, जिनको भी आपको कोप करना पड़ता है आफ्टर मैरिज। तो व्हेन इफ आई टॉक अबाउट माय केस, तो माय वाइफ्स ऑब्सेशन इज विद क्लीनलीनेस। कहते हैं सफाई नस्फ ईमान है, लेकिन शायद मेरे घर में सफाई इज दी ईमान, सफाई ही ईमान है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, और मैंने कोशिश की कि मैं थैंक यू मैंने कोशिश की कि मैं इस लर्निंग कर्व से गुजरूं और ज़रा समझूं कि सफाई किस तरह से होती है। और मुझे पहली दफ़ा मालूम हुआ कि जो सेंटर टेबल होती है उसके नीचे जो मैट होता है उसको भी हटा के सफाई करनी होती है, जो सोफे होते हैं उनको भी पीछे हटा के सफाई करनी होती है। और वो लर्निंग कर्व इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मैं अभी तक लर्न कर रहा हूँ, और इट लुक्स समथिंग लाइक दिस इन माई लाइफ। बट दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट द ऑब्सेशन ऑफ माई वाइफ विथ क्लीनलीनेस, दिस स्टोरी इज अबाउट समथिंग एल्स। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली लास्ट ईयर फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स माई फैमिली वॉज एबल टू बॉट अ प्लेस। वी यूज टू लिव इन अ रेंटल फैसिलिटी, नाउ वी बॉट अ प्लेस। और अगर मैं उस जगह की बात करूँ तो वो जगह एक्चुअली है तो नहीं, लेकिन वो इन एक्चुअल नहीं थी। सिलसिला ऐसा था कि ये पर्टिकुलर जगह जो है इस पर पहले भी कोई रहता था, एंड इट वॉज अ 10 years ओल्ड बिल्डिंग। तो इस 10 साल पुरानी बिल्डिंग के अंदर जो पहले लोग रहते थे, ऑफकोर्स वो भी अपने तरीके से रहते थे, तो मैं और मेरी वाइफ गए और हमने डिसाइड किया कि हम उसको विजिट करते हैं, क्या क्या काम कराने जब उसके अंदर रहना है। तो जब हम जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुए तो उस जगह की हालत जो है वो कुछ इस तरह सी थी, लेकिन ये चीज़ मेरी वाइफ को नज़र आ रही थी कि यहाँ पे जो है वो टाइल्स टूटी हुई हैं, टाइल्स ख़राब हैं, कारपेंट्री वर्क रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिकल वर्क रिक्वायर्ड है, दिस इज़ अ मेस, क्या ले लिया, किस किस्म का घर ले लिया। बट मुझे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ नज़र आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कुछ सिंगल हैप्पी लोग रहते थे शायद, जिसकी वजह से जो है ना इसको कभी मेंटेन नहीं किया गया। बट क्योंकि यहाँ पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बॉस होते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट द होम तो बॉस इज माई वाइफ। तो उसने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं सारी टाइल्स उखाड़ देते हैं, सारी की सारी दीवारें जो है वो दोबारा से फर्निश कराते हैं और इसको सही कराते हैं। मुझे जो है ना बहुत सारे डॉलर्स अपनी जेब से जाते हुए नजर आ रहे थे, रुपीस जाते हुए नजर आ रहे थे। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मैं उसको कन्विंस करूं कि हम ऐसा करते हैं कि पहले ये काम फिक्स करने की कोशिश करते हैं और इसकी सफाई वफाई का इंतजाम करते हैं, अगर इफ इट डजंट वर्क तो हम करेंगे ये कि करवा लेंगे जो आप बोल रही हैं। तो इस पे हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, और इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज व्हेनेवर योर वाइफ एग्रीज विद यू इवन फॉर फ्यू मिनट्स इट्स अ गुड मोमेंट। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैं खुश हुआ, लेकिन अब इसको आगे तक पहुंचाने के लिए इट वॉज वेरी नेसेसरी कि मैं अच्छे रिसोर्सेज अरेंज करूँ। तो मेरा काम शुरू हुआ वेरी कन्वीनियंटली व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रीशियन, अरेंजिंग पेंटर, अरेंजिंग प्लम्बर, अरेंजिंग कारपेंटर, इट वॉज वेरी कन्वीनियंट। बहुत आसानी से अच्छे लोग मिल गए और उनको टास्क बताई गई, उन्होंने टाइम लाइन दी, उन्होंने कहा कि बहुत आसानी से हम आपके काम 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। बट जब हाउसकीपर की बात आई तो हाउसकीपर का काम कुछ ऐसा था जिसके अंदर मुझे दिमाग में हर यही आ रहा था कि ये कोई आम हाउसकीपर तो काम नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, एक कंपनी के साथ मैं काम करता था, उनके पास एक हाउसकीपिंग का इंचार्ज था, आई कॉल्ड दैट गाय और मैंने कहा कि यार मुझे
कोई एक ऐसा क्लीनर चाहिए जो कि बेस्ट हो, जो कि मेरे घर को बिल्कुल नया बना दे। अच्छा, वो जो हाउस कीपिंग इंचार्ज था, डेड गाय व्हेन ही यूज्ड टू वर्क विद मी, तो उस वक्त मैंने उसको बहुत सारी फेवर्स दी थी एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, तो वो मुझे वाकई में प्लीज करना चाहता था। उसने कहा सर गिव मी 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट आई विल डू कि आई विल कॉल यू एंड लेट यू नो कि मैं क्या कर सकता हूँ। 20 मिनट बाद उसकी कॉल आई, थोड़ी सी देर बाद आई, और उसने कहा कि सर हाउस कीपर मिल गया, बेस्ट हाउस कीपर मिल गया, बट द प्रॉब्लम इज कि वो 3 दिन तक बिजी है। मैंने कहा ये कौन सा हाउस कीपर है जो कि बिजी है, यार भेजो उसको, मैं दे दूंगा उसके दिन की उस बीच। कहने नहीं नहीं सर, वो बंदा बड़े अपने प्रिंसिपल्स का बड़ा पक्का है, उसने किसी से कमिटमेंट कर ली है, अब वो 3 दिन बाद ही आएगा, अपॉइंटमेंट पे काम करता है। तो मैं दिल में सोचने लगा कि यार ये कौन सा स्वीपर है जो कि अपॉइंटमेंट पे काम करता है, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे काम करते हैं, सीईओज ऑफ द कंपनी अपॉइंटमेंट पे काम करते हैं, चलें भाई ये स्वीपर है। तो ऐसा साउंड हुआ कि यार ये अच्छा होगा कोई, तभी इतने इसके एटीट्यूड है। तो मैंने कहा ओके भाई भेज दें उसे। उसके कुछ देर बाद उस स्वीपर साहब ने मुझे खुद कॉल की और मुझे कहा कि सर मैं कल 7:30 बजे, 4 दिन बाद आया था, लेकिन उसने बोला कल 7:30 बजे मैं इस लोकेशन पे हूँगा, आप प्लीज़ मुझे पिक करके मुझे अपना घर दिखा दें। मैंने कहा क्यों देखना है घर? कहेंगे सर मैं काम करने से पहले उसकी असेसमेंट करता हूँ, सर्वे करता हूँ। अब शुरू में तो मुझे वो फनी लग रहा था, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मैं इम्प्रेस भी हो रहा था कि यही कौन सा हाउस कीपर है, मैंने एक छोटे से घर को साफ करने के लिए बुलाया है, जिसको पहले असेसमेंट करनी है, सर्वे करना है, और उसके बाद वो काम शुरू करेगा। खैर, जब आप घर चेंज कर रहे होते हैं और आपका गोल होता है टू इम्प्रेस योर वाइफ, तो थोड़ी सी मोटिवेशन तो होती है। तो इसलिए मैं पहुंच गया सुबह 7:30 बजे और उसको पिक किया। पिक करके रास्ते में मैंने पूछा कि भाई कितने पैसे लेंगे आप? तो ही वॉज लाइक सर पहले मैं काम देखूंगा उसके बाद बताऊंगा। मैंने कहा यार तू भी अंदाजन बता दो कुछ। कहना नहीं सर काम देखे बगैर मैं तो कुछ नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है भाई जैसा आप बोले। मैं उनको ले गया घर पे। जब वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने क्या किया इसके बारे में आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं वो घर खरीदते वक्त इतनी डिटेल ओरिएंटेशन के साथ उस घर को देख लेता तो शायद मैं वो घर नहीं खरीदता। तो जब उसने देखा उसने बोला सर ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी है, ये भी है। तो वो काम कोई भी ऐसे नहीं थे कि जो कि वो इलॉजिकल थे, वो बाकायदा रीजनिंग के साथ काम थे और उनको करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने मुझे अच्छा लगा कि उसने इतनी डिटेल ओरिएंटेशन के साथ इस घर का सर्वे किया। उसके बाद उसने कहा सर जल्दी से एक पेन और पेपर दे दें। मैंने कहा जी बताएं। तो पता चला कि वो पेन और पेपर से लिखना भी जानते हैं यूजली। वैसे तो लिखना कोई भी जा सकता है लेकिन यूजली जो हम स्वीपर्स देखते हैं वो लिख पढ़ नहीं सकते। तो उस इंडिविजुअल ने एक लंबी सी लिस्ट बना दी। उसने पता नहीं कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स थे जिनके देसी नाम लिखे हुए थे और वो कंपाउंड्स जो थे उसने कहा कि ये सब चाहिए। मैंने कहा ये हैं क्या? ही वॉज लाइक सर इससे ये आपका घर नया होगा वरना कभी नहीं होगा नया। मैंने कहा ये कितने के आएंगे? उसने एक सर्टन वैल्यू बताई जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने कहा ये कहाँ से मिलेंगे? कहेंगे सर चलें मेरे साथ जल्दी से लेकर आते। मैं गया वो खरीद लिया। मैं कहा चलो आप काम करने। कहेंगे नहीं सर टाइम तो मैंने आपको 3 दिन के बाद का दिया है। तो मैं काम करने 3 दिन बाद आऊँगा, मैं ये टूल्स खरीदने और असेसमेंट के लिए आया था। मैंने कहा मुझे ज़रूरत थी लेकिन मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही थी इसका जो मेथड है ये कुछ कर देगा। और मैं बहुत इंप्रेस भी हुआ कि यार ही समबडी हु एग्जैक्टली नोज कि कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल क्लीनिंग स्टफ के अलावा और कोई चीज़ नहीं मालूम। मैंने वेट किया उसका 3 दिन, बाकी लोग काम कर रहे थे। 3 दिन बाद ये आए। मैंने कहा अब बता दें पैसे। कहने का सर काम देख लीजिएगा फिर पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा अब इससे कौन बहस करे हर चीज़ में, ये अपना कोई ऐसा लगता है ये मेरा बॉस है और मैं इसके लिए सर्विसेज दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने काम शुरू किया। मैंने कहा कहाँ से शुरू करोगे? कहना किचन से स्टार्ट करूँगा काम। मैंने कहा परफेक्ट। मैंने कहा ठीक है आज आप किचन कर लीजिएगा, वॉशरूम्स कर लीजिएगा और एक आध रूम कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, मैं शाम में आके मॉनिटर करूँगा। मैं शाम को रात को वापस आया 8 बजे तो मैंने देखा कि जो पेंटर था, कारपेंटर था और इलेक्ट्रीशियन था उन्होंने अपनी जॉब जो है वो 70% कंप्लीट कर ली थी। साथ में काम शुरू किया था एंड इट वॉज रियली इंप्रेसिव कि उन्होंने जल्दी जल्दी काम सब कर लिया था। मैंने पूछा वो कहाँ है हाउस कीपर? कहते सर वो तो किचन ही साफ कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि मैं सुबह छोड़ के गया हूँ, क्या मुझसे धोखा तो नहीं हो गया? मैं बिला वजह में तो इम्प्रेस नहीं हो गया? ये कौन सा आदमी है जो कि अभी तक किचन साफ कर रहा है? तो मैं बहुत गुस्से में तब किचन की तरफ गया। तो मैं जब किचन की तरफ गया तो मेरा सारा गुस्सा एक सेकंड में ठंडा हो गया, बिकॉज जब मैंने उस किचन को देखा तो मुझे लगा मैं किसी और फ्लैट में आ गया हूँ। उस किचन की टाइल्स, उस किचन की दीवारें, उस किचन के कैबिनेट्स वो इतने ज़्यादा शाइन कर रहे थे और वो बंदा लग के अभी भी साफ कर रहा था उसको। मैंने उसको
मैं देखा, मैंने कहा ओके, पूरा दिन लिया ये काम किया, ठीक है। मैंने कहा अजमल साहब, उनका नाम अजमल था, तो मैं पहले उनको स्वीपर बोलता था, वो अजमल साहब के लेवल पे आ गए, मैं उनको अजमल साहब बोलने लगा। मैंने कहा अजमल साहब, ये आप सुबह से यही काम कर रहे हैं? तो अजमल साहब कहने लगे, सर आप आ गए, सर माजरत, सर माजरत। मैंने कहा नहीं, आपको कल ही कहने, सर इस बात की माजरत नहीं, सर माजरत, किचन को बिल्कुल नया नहीं कर सका। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे, सर ये जो मैं चाहता था ना, ये वो नहीं हो सका। हालांकि इन माई आईज इट वॉज एट अदर लेवल ऑल टुगेदर। मतलब मैं शुक्र अदा कर रहा था कि मैंने सब टाइलें उखाड़ के काम नहीं करा, बिकॉज हर टाइल का रंग ही अलग था। वो जो टाइल्स का रंग पहले थी, अब वो डिफरेंट थी। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, करें काम। मैं वहां से उठ के चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में आया था कि कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जिसके लिए खुद ही एक कॉम्पिटिशन नुमा चीज हो, जो अपने आप को ही बीट करना चाहता हो हमेशा, तो उस बंदे को काम खुद से कर लेना देना चाहिए। उसको अगर आप ज्यादा पुश करेंगे ना, तो शायद उसकी क्रिएटिविटी और उसके काम पे असर पड़ जाए। लेकिन इट वॉज रियली इम्प्रेसिव कि वो इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को बीट करना चाहता था। खैर एनीवे, मैं उससे थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। मैंने एक नया इंस्ट्रक्शन दे दिए, मैंने पेंटर, कारपेंटर और प्लम्बर को बोला कि भाई कल जो है ना इन्हीं को चाबी दे के जा रहा हूँ, क्योंकि वो देर तक काम कर रहे, देख लेना, यही आएंगे और यही आप लोगों को बताएंगे क्या क्या काम करना है। और मैंने उनको बोला कि यार मैं आपको बता दूंगा, जरा इनको सुपरवाइज कर लीजिएगा। ये बोल के मैं चला गया। अगले दिन मैं सुबह में आया नहीं, क्योंकि यही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मैं अगले दिन शाम में पहुंचा, तो क्योंकि 70% काम पेंटर्स और कारपेंटर्स और इलेक्ट्रिशियंस ने कंप्लीट कर लिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनका काम तो कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं पहुंचा, तो जैसे ही मैं गेट पर दाखिल हुआ हूं, तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और पेंटर मेरे सामने भागते हुए गुस्से में आए, विथ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कहने लगा, सर आपने क्या किया, हमारा काम कंप्लीट नहीं हो सका, ये बंदा आपने कोई नए रूल्स बता रहा है, कह रहा है कि पेंट करो तो नीचे प्लास्टिक बिछाओ, उस पर टेप भी लगाओ। मैं बोल रहा हूं कि मैं कारपेंट्री करके उसका लकड़ी का बुरादा निकालूंगा, उसके बाद मैं उठा लूंगा, लेकिन नहीं, वो अलाउ ही नहीं कर रहा, मुझे बाहर करने का कह रहा है, हमारा काम सर कंप्लीट नहीं हो सका, अभी भी कल आना पड़ेगा हमें। और दे वर फ्रस्ट्रेटेड लाइक एनीथिंग। तो जब वो लोग ये बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में आया था कि चलो यार हमें तो आना नहीं पड़ा, किसी और ने हमारा काम कर दिया। मैं गया उनके पास, मैंने उनको बोला चले कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? आज के उस दिन उन्होंने काफी काम कर लिया था, क्योंकि वॉशरूम्स भी नए कर दिए थे मेरे, और एक रूम भी नया कर दिया था, छोटा सा अपार्टमेंट था, तो अब एक दिन का ही काम रहता था। मैंने कहा भाई फिर कल काम खत्म हो रहा है? कहेंगे नहीं सर, मैंने आपको बोला था ना चार दिन काम होगा। मैंने कहा चौथे दिन क्या करोगे, कल का काम खत्म? कहेंगे नहीं सर, आपको काम अच्छा होना चाहिए, टाइम वाइम क्यों देख रहे हैं आप? मैंने कहा भाई मुझे प्लीज कल कर दो कंप्लीट। कहने का सर ठीक है, फिर कल मैं रात 11 बजे तक काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है, 11 बजे तक काम कर लेना, रात को काम से कर दो, कल खत्म कर दो ताकि हम शिफ्ट हो सके। अगले दिन मैं अपनी वाइफ को लेकर आया, क्योंकि अब ये टाइम था कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूं, बिकॉज उसको तो वही तस्वीर दिमाग में थी। जब मैं लेकर आया, तो मेरी वाइफ भी एक और मोमेंट था उसके लिए कि एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल नाउ। एट द सेम टाइम सब अपने काम कंप्लीट कर सक चुके थे, मैं सबको उनकी पेमेंट्स कर रहा था। जब इनके पास आया, मैंने कहा जी अजमल साहब क्या पेमेंट है आपकी? उन्होंने कहा सर जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिएगा, लेकिन मुझे पैसे देने से पहले ना मुझे आपकी बेगम से मिलना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आए बेगम साहिबा मिल। अब वो मेरी बेगम को ये गाइड कर रहे थे जनाब कि अगर आपको इस घर को ऐसे ही मेंटेन रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो ये केमिकल्स हैं आप यूज क्या करें, हफ्ते में एक दफा ये किया करें, महीने में एक दफा ये किया करें, और पता नहीं क्या क्या। मैंने सुनना की कोशिश नहीं की, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट वंस दिस जॉब इज डन। वो मेरी वाइफ को करना था, तो उन्होंने जान लिया उसको। और उसके बाद मैंने उनको कहा आए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। मैं गया गाड़ी में, बिठाया उनको, और गाड़ी में बिठाने के बाद मैं जब उनके साथ जा रहा था, तो थोड़ी देर की खामोशी थी, फिर मेरा दिल हुआ कि मैं उनको बोलूं कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया। तो स्वीपर अजमल साहब से मैंने उनको कहा अजमल भाई अच्छा काम किया आपने, खुशी हुई। तो उन्होंने बोला कि सर असल में मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी काम करूं ना, कोई भी हो, किसी के लिए भी करूं, वो ऐसा करूं कि लोग हमेशा उसको याद रखें, भले वो ये काम हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अगर याद रखेंगे ना मेरे काम की वजह से, तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी। इसीलिए मैंने आपको पैसे वैसे नहीं बताए, जो आपका दिल चाहे पैसे दे दें, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह है कि मुझे लोग याद रखें।
तो मैं मुस्कुराया, मैं सोचने लगा भाई तू कौन है जिसको इस काम में भी लेगेसी सेट करनी है कि लोग उसे याद रखें। तो अभी मैं ये सोच ही रहा था कि उसकी मंजिल आ गई, मैंने उसको पेमेंट की और उस पेमेंट के बाद मैं जब वापस घर आ रहा था, मैंने पेमेंट कोशिश की कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, मैंने अपने लिहाज से ज़्यादा की। जब मैं वापस आ रहा था तो मैं सारे के सारे इवेंट्स को एक साथ मिला रहा था और मैंने सोचा कि किसी भी मेरी लाइफ में मौका मिलेगा तो मैं दिस स्टोरी ऑफ लेगेसी ऑफ एन अनसंग हीरो ज़रूर किसी ना किसी को सुनाऊंगा। बिकॉज यूजली हमारे साथ होता ही है कि वी लुक फॉर फैंसी टैग्स टू टेक ओनरशिप, बी पैशनेट अबाउट आवर वर्क, टू गो एक्स्ट्रा माइल एंड टू शो अ ग्रेट इंटेग्रिटी एट वर्क, टू मैनेज पीपल एज अ टीम। इस बंदे ने जिसने कभी आज तक लीडरशिप का कोई कोर्स नहीं लिया, वो इतना प्रिविलेज नहीं था कि वो किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर जा सकता। मेरे लिए बड़ा एक ऑ इंस्पायरिंग मोमेंट था कि हाउ कम दैट इंडिविजुअल कैन डेमॉन्स्ट्रेट सच कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीडरशिप लाइक टेकिंग ओनरशिप एट वर्क, लाइक समबडी हु हेल्प्स अदर्स जस्ट टू एक्चुअली अचीव द अल्टीमेट गोल, एंड समबडी हु इज ऑलवेज विलिंग टू क्रिएट लेगेसी। लेगेसी इज समथिंग दैट डिफ्रेंशिएट एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल फ्रॉम अदर्स, एंड आई फील that I myself, whatever I do, I can create legacy. Even you can do that. The real question is, will you? That's my time, friends. Thank you.